साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूँ आपके साथ अंशुल द्विवेदी, न्यूज मालवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। भारतीय स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर शनिवार सुबह विभिन्न स्वयंसेवी और समाजसेवी संगठनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चरक भवन के पास स्थित नेताजी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक पारस जैन, सोनू गहलोत, धन्ना शर्मा, भानु भदौरिया, सत्येंद्र सिंह तोमर आदि ने प्रतिमा स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रार्थना करता हूँ कि जो नेताजी ने अपने जीवन में जो काम किए थे उसको अपने जीवन में युवा उतारे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को दूध से स्नान किया जा रहा है। आज हमारे देश के सेनानी जो जिन्होंने भारत देश में सेना खड़ी करी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण करके उनका दूध से अभिषेक किया। क्योंकि ऐसे सेना नायक हमारे देश में न कभी होंगे न कभी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए, भारत देश की आज़ादी के लिए एक सेना खड़ी करी, जिसका पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा कि अगर अंग्रेजों को भगाने का योगदान रहा तो हमारे सेनानी सुभाष चंद्र बोस का सहयोग रहा। नौसेना में रहते हुए 8 साल तक देश की सेवा करने वाले उज्जैन के युवा भास्कर पांडे का सेना के सेवा में रहते हुए हृदयाघात से निधन हुआ। शुक्रवार को भास्कर पांडे की देह को उज्जैन लाया गया। चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार हुआ। शहर में जब किसी सैनिक की देह लाई जाती है तो हर किसी के मन में शमशान वैराग्य की तरह देशभक्ति हिलोरे मारने लगती है। कुछ वक्त बाद सब ठंडा हो जाता है। क्या कभी किसी ने सोचा कि जिस घर से एक बेटा चला जाता है उसके बाद पीछे परिवार की कुछ आकांक्षाएं रह जाती है। सैनिक भास्कर पांडे के परिवार की भी कुछ ऐसी ही आकांक्षाएं हैं। हमारे प्रतिनिधि सुनील सिंह भदौरिया ने जब स्वर्गीय भास्कर पांडे के माता और पिता से बातचीत की तो अपनी संतान देश को सुपुर्द कर देने वाले इस दंपत्ति ने कुछ छोटी छोटी आकांक्षाएँ सरकार और समाज के बीच रखी। क्या सरकार, समाज और हम सारे लोग मिलकर उनकी आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं? आज हम मौजूद हैं नौसेना में ऑफिसर रहे भास्कर पांडे जी के परिवार के साथ में, जिनका सैनिक का जो 19 तारीख को हृदयघात से निधन हुआ है, उनके परिवार से आइए कुछ बात करते हैं। हम उनके पिताजी नंद वल्लभ पांडे जी के साथ में अभी यहाँ पर हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं। नंद वल्लभ जी, आप कुछ बताना चाहें आपके बेटे की शहादत पर? मेरा बेटा जो है 2012 में नौसेना में भर्ती हुआ था। अंडमान निकोबार से लेके बॉम्बे अन्य जगहों पर पदस्थ रहा। 8 जनवरी 2021 को हमें सूचना मिली दूरभाष पर कि भास्कर के स्वास्थ्य ठीक न होने से आज तुरंत विशाखापट्टनम पहुँची। 8 तारीख की रात को हम यहाँ से बाई फ्लाइट से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुए। 9 तारीख सुबह 9:30 बजे हम लोग सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाने पर हमें पता चला कि हमारे बेटे को हार्ट अटैक की शिकायत हुई है और वो बेटी पर थे। 19 तारीख को 18 तारीख तक सब कुछ ठीक चल रहा था। हमें उम्मीद थी कि हमारा बच्चा सही साथ ठीक हो जाए, लेकिन 18 तारीख के बाद हमारे बच्चे का ब्लड प्रेशर डाउन होते गया। 19 तारीख सुबह 9:30 से 10 के बीच में हमारा बच्चे का स्वर्गवास हो गया। बच्चा हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए। अब क्या संदेश देना चाहते हैं उज्जैन देश के लिए आगे? देश को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि एक सैनिक के परिवार को जो आर्थिक सहायता हो उस सहायता उपलब्ध कराया जाए शासन के द्वारा। दूसरी बात, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उसका मेन गेट शहीद भास्कर पांडे के नाम से किया जाए। तो आपने देखा उनके पिताजी बहुत भावुक हो रहे हैं और उन्होंने कुछ छोटी सी मांगे अपनी कुछ रखी हैं शासन प्रशासन की ओर से। उनकी माताजी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानना चाहें कि वे इस बारे में कुछ शासन प्रशासन या उनकी कुछ मांग रखती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे न्यूज मालवा परिवार? सर, मैं ये कहना चाहूँगी
कि मेरा बेटा भास्कर पांडे जो था उसने 8 साल इंडियन नेवी की सर्विस की और आज 19 जनवरी 2021 को उनका निधन हो चुका है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी हिम्मत, मेरा बेटा था, मुझे उस पर गर्व है कि उसने 8 साल देश की सेवा की और आज उज्जैन नगर में और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। मुझे इसी बात का गर्व है कि मेरे बेटे ने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा था वो मेरी हिम्मत था, मेरे पूरे परिवार की हिम्मत था। मैं चाहती हूँ कि आज शासन की तरफ से मेरे छोटे वाले बेटे को कुछ रोजगार अगर दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपने देखा बातें बहुत सी हैं लेकिन चूंकि भावुक पल है और इनके बेटे ने अभी देश के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उसके लिए हम भी कहेंगे जय हिंद वंदे मातरम। यदि आपके मन में देशभक्ति हिलोरे मार रही हो, तिरंगा हाथ में लेकर खूब जयकारे लगाने की तमन्ना हो तो बेशक ऐसा कीजिए, मगर अपनी जेब जरूर संभाल कर रखिए। भले ही आप किसी सैनिक की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हों, भले ही आप खुद भी सैनिक हों, भले ही आप देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन जेब कटों को इससे कोई सरोकार नहीं है। शुक्रवार की दोपहर यही तो हुआ। नौसैनिक भास्कर पांडे की अंतिम यात्रा में शामिल हुई सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में से कई के पर्स तड़ गए हैं। कम से कम 8 ऐसे मामलों की सूचना जीवाजीगंज थाने पर पहुंची है। स्वर्गीय भास्कर पांडे की पार्थिव देह उज्जैन तक लाने वाले एक सैनिक का भी पर्स चुरा लिया गया है। यह सब कांड चक्रतीर्थ पर हुआ। पुलिस जब इंतजाम में लगी थी, सैनिक जब स्वर्गीय पांडे की देह को सम्मान दे रहे थे, तब भीड़ में शामिल जेबकट अपने काम में जुटे थे। उज्जैन शहर में बिजली वितरण कंपनी द्वारा ठेकेदार फर्म की मदद से नए रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया गया है। शनिवार को ठेकेदार फर्म के कर्मचारी ईदगाह के पास वीरनगर में सारे ही घरों के मीटर बदलने पहुंचे। यहां इन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामा हुआ तो चिमनगंज मंडी थाने से पुलिस बल भी पहुंच गया। कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि 2 माह पहले ही कॉलोनी के अधिकांश घरों में मीटर बदले गए हैं, अब फिर से ठेकेदार फर्म के लोग मीटर बदलने पहुंच गए। हंगामा हुआ, इससे पहले 7 घरों के मीटर बदल भी दिए गए थे। वीरनगर के रहवासियों ने इन्हें भी उखड़वा दिया और ठेकेदार फर्म के कर्मचारियों को वापस चलता भी कर दिया। वीरनगर की रहवासी समिति के उपाध्यक्ष की जुबानी सुनिए, आखिर लोग नए मीटर का विरोध क्यों कर रहे हैं। जो चेंज करवाना चाहता हूँ उनको भी मना कर दिया गया ना, उनको भी मना कर दिया कॉलोनी वालों ने। हाँ ठीक, किसी बात पहले वो वरिष्ठ अधिकारी भी सूचित कर दो, लोगों को देख रही है ना बदलाने के लिए, उनको बोला बदलो। तो यहाँ पर वीरनगर में MPB वाले आए थे मीटर बदलने और वो पुराने में 2 महीने पहले भी नए मीटर बदलाए थे, वो भी शासन के थे और ये भी शासन के हैं। तो इनको चूंकि अगर लगाना था तो कॉलोनी को और इनको पहले सूचना देनी थी। 25-25-30 जनों के झुंड आके घर में लेडीज़ हैं और बाजार के लड़के आके करें, ये व्यवहारिकता नहीं है। पूर्ण उनको पहले जानकारी देनी थी, उसके बाद जो भी शासन करेगा शासन का आदेश करेंगे। लेकिन इनकी जो व्यवहार है वो बिल्कुल व्यवहार कुशलता नहीं था। ज़बरदस्ती घरों में लगाना मीटर, 30-30, 40-40 जने आना और कॉलोनी वाला कोई भी तैयार नहीं है। बोल रहे कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि हमने 2 महीने पहले मीटर लगाए, वो भी शासन के। अब इसके फिर हम पैसे भरेंगे क्या? यह केंद्र सरकार और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे उज्जैन में ये स्मार्ट मीटर लगाने की जो प्रोसेस चल रही है, इसमें ये वीरनगर में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए थे। यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने से मना किया, क्योंकि पहले ही 6 महीने और साल भर के बीच में अंतराल में एक बार पहले भी मीटर बदला चुके हैं। तो जो पुराने स्मार्ट मीटर हैं उन पर ये क्वेश्चन मार्क लग गया है। इन्होंने बोला है कि वो सही तरह से रीडिंग और सही तरह से इक्विपेंसी नहीं थी इसकी, इस कारण हमने इन्हें चेंज कर रहे हैं। तो पहले भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इस प्रकार के नए मीटर लगाए गए और ज़्यादा से ज़्यादा बिल लोगों को दिए गए। लोकमान्य तिलक स्कूल के प्राचार्य और ख्यात शिक्षाविद अरुण शुक्ला का अल्पायु में शनिवार सुबह निधन हो गया है।
श्री शुक्ला को कुछ वक्त पहले ही राज्य शासन ने विक्रम विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद का सदस्य नियुक्त किया था। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद उन्हें इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। लूटी स्कूल में पढ़े शहर के हजारों छात्रों के लिए अरुण शुक्ला सर प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। शनिवार शाम विवेकानंद कॉलोनी स्थित निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें शहर के गणमान्य जनों ने सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। न्यूज़ मालवा परिवार भी शिक्षाविद स्वर्गीय अरुण शुक्ला को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। कानीपुरा रोड की कथित महाडिक कॉलोनी में प्लाट काटकर बेच देने के मामले में मनीष महाडिक को चिमनगंज मंडी पुलिस द्वारा आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया है। केस दर्ज हो जाने के बाद से ही मनीष महाडिक पुलिस से भागता फिर रहा था। मनीष महाडिक को पुलिस ने गुना में एक रिश्तेदार के यहाँ से हिरासत में लिया। आपको याद होगा, पिछले दिनों सुनीता पुरवाल नामक एक महिला ने महाडिक कॉलोनी में प्लाट नहीं मिलने की शिकायत करते हुए सीएम के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। सुनीता पुरवाल द्वारा फर्जी कॉलोनी में कागज पर हुए प्लॉट के सौदे और कागजी कॉलोनी के खेल को उजागर करने के बाद नगर निगम के इंजीनियर की ओर से चिमनगंज मंडी थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी। मनीष महाडिक के पिता मधुकर राव महाडिक, उनकी पत्नी प्रभावती और बेटे मनीष के खिलाफ यह शिकायत थी। मधुकर महाडिक का निधन हो चुका है। वडनगर शहर के खौफ दरवाजा इलाके में सड़क हादसे का शिकार हुए एक वृद्ध की शुक्रवार रात मौत हो गई है। 65 साल के बुजुर्ग किसान मोहनलाल पिता काशीराम मारू बेसला कला गांव के रहने वाले थे। वे कृषि संबंधी कुछ सामान खरीदने वडनगर पहुंचे थे और खौफ दरवाजा क्षेत्र में अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़े थे। एक मोटरसाइकिल चालक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। सिर में गहरी चोट के कारण उपचार के दौरान मोहनलाल मारू ने दम तोड़ दिया। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के अलग एंगल को समझने के लिए और सच को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज मालवा। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।